मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ गल्ला जो कि टीपर टीपर कैसे चलाएं। आज थोड़ी बहुत बताऊंगा। अभी देखिए पहले हम आ रहे हैं, टायर चेक करते हैं, पंचर तो नहीं कोई भी। अभी टायर चेक करने के बाद अभी हम आप लोगों को आगे दिखा रहे हैं। ये हमारा कुंडी है, इसको हमको चेक करना, ढीला तो नहीं है क्योंकि उसी के सपोर्ट से पीछे से अपना ढाला बंद होता है। अगर वो ढीला रहेगा तो ढाला खुल जाएगा मिट्टी लेने के बाद, फिर अगर रास्ते में कहीं गिरता है, मिट्टी है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पत्थर जब हम लोग लेते हैं और पत्थर उसमें सड़क पे गिरेगा, कोई गाड़ियाँ चढ़ेगी उसके टायर से लगेंगे और चढ़ जाएंगे तो छटकेगा तो किसी का शीशा भी फूट सकता है या कोई आदमी को चोट भी लग सकता है। इसीलिए हमें जो कुंडी मैंने दिखाया उसे देखना लाजिम ज़रूरी है डेली सुबह जब भी चालू करती है। हमारा हाइड्रोलिक टैंक है, ये सिलेंडर है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऊपर चढ़ के क्या है, कैसे सिस्टम है। ये देखिए ये अपना गाड़ी है, आगे का आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है अपना, और ये अपना क्लच है। तो ये चीज़ भी क्लियर करना रहता है। ये अपना गियर है मर्सिडीज का, अरबास 300 बोलते हैं, इसका गियर है। टोटल 10 गियर है, ये रिवर्स है, ये सी गियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया, ये 8 गियर हो गया। और ये हाई ऑयल लो का ऑप्शन है, अगर हम 5 से नीचे में रखते हैं, ये देखिए ये इसके ऊपर, इसके बाद 5, अभी 5 में लगेगा, इससे पहले 4 तक ही जाता। तो ये हाई लो का सिस्टम था। ये अपना गाड़ी का हवा का, ये प्रेशर का हवा, जब आपका 8 पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो ब्रेक पकड़ कर रखता है। ये अपना RPM है, देखिए RPM काम करता है मेरे गाड़ी का, ये काम नहीं करता। ये अपना स्पीड मीटर है तो अपना काम नहीं करता है, तो इसलिए मुझे उसके विषय में कोई बता नहीं पाऊँगा कुछ। ये देखिए ये हम लोग का गाड़ी है मर्सिडीज का। अभी क्लच लिया, क्लच लेने के बाद अभी मैंने 2 स्विच दबूंगा, यहाँ पे स्विच है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये स्विच है अपना हाइड्रोलिक का, और ये रहा प्रेशर का। अब प्रेशर भी जाएगा, इससे हम टाइट करेंगे तो हवा बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब प्रेशर लॉक हो गया। अभी देखिएगा आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, जब धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो हमारे जो पीछे डंप होता है संदूक, यहाँ पे संदूक बोलते हैं इंडिया में, क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं गाड़ी लाइन में यहाँ सऊदी में आके चला रहा हूँ, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं चलाता था। तो ये देख सकते हैं किस तरह से जब मैंने उतने बटन को दाबा था और क्लच को छोड़ने के बाद पूरा क्लच छोड़ देते हैं, तब ये आप इसलेटे देंगे तो थोड़ा जल्दी उठेगा, अगर नहीं देंगे तो नॉर्मल स्पीड पे उठेगा। ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्पीड है, ये देखिए ये बढ़ रहा है। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ये गाड़ी पुरानी गाड़ी है, बहुत ही पुरानी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा इसमें साउंड है। आपको बैकग्राउंड में मैं उसका आवाज़ कम करके डालूंगा, लेकिन डालूंगा आवाज़ सुनिएगा, बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो ये जो साउंड आता है ना, इसके लिए मैं वॉइस ओवर करके ही वीडियो बनाता हूँ, जब भी इसका वीडियो बनाता हूँ। देख सकते हैं ये पूरा उठ चुका है, अभी ये पीछे का आप देखिए, देखिए पूरा उठ गया है, ये तकरीबन 45 डिग्री तक उठता है, 45-50 डिग्री तक। ये देखिए ये पीछे से पूरा वो खुल गया है वहाँ से कुंडी, अब इसमें कोई भी मिट्टी हो या पत्थर हो वो खाली हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए उसको गिराने का प्रोसेस बताते हैं हम। पहले क्लच पकड़ लेंगे, उसके बाद ये पहले हाइड्रोलिक का स्विच खोलेंगे। ये देखिए हाइड्रोलिक का स्विच खोल दिया, अभी प्रेशर का खोल दिया, अभी ये हवा खोल दिया, हवा फ्री हो गया, अभी मेरा सिलेंडर फ्री हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब उसमें कोई ताकत नहीं रह गया, हाइड्रोलिक का कोई ताकत नहीं रह गया। तो ये खुद के वजन से आता है, धीरे धीरे नीचे आता है,
इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बस आपको क्लच के साथ में वो जो हाइड्रोलिक का स्विच है उसको खोल देना है, कि मतलब हाइड्रोलिक नहीं चढ़ेगा, और पीछे जो प्रेशर का स्विच है उसको भी मतलब ऑफ कर देना है। तो इसमें ना प्रेशर रहेगा ना हाइड्रोलिक रहेगा, और हवा के लिए जो घुमाने के लिए मैं दिखाया था उसको घुमा देंगे तो हवा भी नहीं रहेगा। तो लाजिम है कि भाई जब इसमें हाइड्रोलिक में दम नहीं रहेगा तो ये अपना वजन ले कर नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से नीचे आ रहा है, ये धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पे बैठ जाएगा। बैठने के बाद आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। देखिए इतना होने के बाद आप गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये कहीं इधर उधर टेढ़ा बकटेढ़ा नहीं होगा। अभी देखिए ये धीरे धीरे बैठ रहा है, लास्ट में आके स्लो हो जाता है। देखिए धीरे धीरे बैठेगा, ये बैठने के बाद ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को इसमें कोई शिकायत हो